खास नहीं है। इरफान खान की एक्टिंग थोड़ी ठीक है, बाकी कुछ जो पहले वाली कारवा थी इसका कंपैरिजन करेंगे तो वो अच्छी थी। क्या कमी लगी आपको फिल्म में? स्टोरी कुछ खास नहीं है, म्यूजिक नहीं है, डायरेक्शन बराबर नहीं है। जैसा इरफान खान अभी जा रहे हैं अभी लाइक ही इज इल, हाँ दिख रहा है इल, दिख रहा है तो, बट आप चाहें फिर भी उसकी एक्टिंग और अच्छी है। फिल्म ओवरऑल ठीक थी, बस इरफान खान था इसलिए देख लिया, नहीं तो फिर कुछ खास नहीं है मूवी। वीक पॉइंट क्या लगा? पूरी मूवी वीक लगी इरफान खान को छोड़। सबसे बेस्ट इरफान खान की एक्टिंग और कुछ नहीं है मूवी में। फ्लैट, बहुत फ्लैट है, कुछ खास नहीं है। मतलब हालात देख के समझ जाइए मैं सो गया था बीच में। 3, 2.5 और 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। कैसी लगी फिल्म? या फिल्म बहुत अच्छी थी, इरफान खान का एक्टिंग रादर बहुत अच्छा था, एंड आई थिंक एवरीवन शुड डेफिनेटली वॉच इट एटलीस्ट फॉर वन टाइम। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा मूवी में? द स्टोरी, इवन स्टोरी वाज नाइस, बट आई लाइक एक्टिंग वाज रियली नाइस। डायरेक्शन वाज गुड, स्क्रिप्ट वाज नाइस, एंड म्यूजिक वाज नाइस रादर। And yeah. No. कितने सारे चार्टों? 3.5. Thank you so much. Okay. Did we just did? Last one and you're a star. No, I don't think so. Okay. Yeah. Just tell me the question quick. I'll answer you guys. Okay. Oh, I pretty much like the movie, and the movie concept is really nice. The songs are really nice. Locations are really nice. I like Dulquer Salman, so I went for the movie for him. Apart from that, yeah, obviously Irfan Khan. Yeah, obviously Ganja Pi Ke Tumhara Dimag Sad Gaya Hai. Obviously, yeah. So he is quite amazing. His character is quite amazing. If you have seen the scene that Shayari wala scene, jahan pe wo Google kar raha tha, I like the scene as well. Yeah. I'll give 4.5. Yeah. Thank you so much. Thank you. अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। वो तो बेस्ट है हमेशा से, पहली मूवी से एक्चुअली जब से मैंने उनको देखा है। मस्त लगी, अच्छा है, कॉमेडी है, इमोशनल है, एक्चुअली कनेक्ट भी होते हैं, अच्छा है। स्टोरी की बात करें जाए कितनी पसंद आई आपको स्टोरी? बहुत अच्छी लगी है, बोला बहुत अच्छी लगी। 5 में से कितने स्टार? 5 और आप? 5 टोटल 10 हो गया। इरफान खान ओके, वी हैव 4th वन है। सो कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी फिल्म। आई एम रियली हैप्पी टू सी दुलकर डूइंग व्हाट ही डिड इन हिंदी ऑल्सो, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ। कि मलयालम और तमिल मूवीज़, अगर लोग दुलकर के फ़ैन सच में ना, तो प्लीज़ उनके मलयालम और तमिल फिल्म्स भी देखो। बट गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोलर, एंड आई होप कि वो बहुत जल्दी एक और हिंदी मूवी में बहुत जल्द वापस आ जाए। इरफान खान सर तो मेरे मतलब खान्स में से सबसे फेवरेट इरफान खान ही है, और ये मूवी देख के तो ऐसा लग रहा है कि यू नो बहुत जल्द वो वापस आ जाए, यू नो सही सलामत होके वापस आ जाए, बस यही दुआ मांगती हूँ। स्टोरी इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एक्चुअली। अभी जो एक्चुअली गए साल 2 साल में बहुत ख़राब फिल्में निकल रही है, तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है देखने के लिए। एक रोड ट्रिप फिल्म है, और इरफान खान सर और रोड ट्रिप फिल्म्स का तो पता नहीं कुछ अलग ही अपने आप में एक जॉनर बन गई है पीकू और करीब करीब सिंगल के बाद। तो होपफुली यू नो यूथ को बहुत अच्छा लगेगा ये फिल्म। फिर से देखना चाहूँगी, क्योंकि एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत मिस किया था, अब मैं लेट पहुँची थी स्क्रीनिंग के लिए, तो वापस से ज़रूर देखना चाहूँगी। 3.5।